सुख और चैन चाहिए, कुछ का चैन चाहिए। एक नंबर दो नंबर रिजल्ट ही बताता है और वो 23 तारीख का रिजल्ट 100% गीता जैन के फेवर में होगा। दोस्तों चुनाव में मात्र कुछ समय, कुछ घंटों का वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में गीता भरत जैन की भव्य बाइक रैली, कार रैली जिसे आप कह सकते हैं, वो पूरे मीरा भाईंदर में जो है वो निकाली जा रही है। इस वक्त हमारे साथ खुद अपक्ष उम्मीदवार गीता भरत जैन मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगी, इतना प्रतिसाद आपको मिल रहा है पूरे मीरा? मैं देवन से कह रही हूँ कि ये मेरा चुनाव जनता ने अपने कंधों पे लिया है और उन्होंने अपना चुनाव बना लिया है इसे, इसलिए अब देख रहे हैं हर तरफ से जनता जुड़ती जाती है। कहीं दो गाड़ी निकलती है तो चार उस एरिया से वापस आ जाती है। तो अपने आप जो स्फूर्त प्रतिसाद मुझे मिल रहा है, मैं आभारी हूँ जनता की कि उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा उत्साह बढ़ाया, मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया और अब मुझे विश्वास है कि 20 तारीख को बड़े उत्साह के साथ जनता मतदान करेगी, 12 नंबर पे बैट्समैन के हक में करेगी और जरूर गीता जैन को जिताएगी। मैम अभी तक कहा जा रहा था विरोधियों द्वारा कि गीता भरत जैन जो है अपक्ष उम्मीदवार है और उन्होंने काम कुछ नहीं किया है 5 साल में, इसलिए सर्वे में सबसे पीछे नाम चल रहा है। लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि सर्वे में 2 दिन के भीतर ही आपका जो नाम है वो सबसे ऊपर आ गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैंने फिर कहा कि जब जनता ने अपने कंधों पे ये चुनाव ले लिया है तो लोगों के एक नंबर दो नंबर देने वाले ये लोग होते कौन है, किसने किया ये? और मैं फिर कहती हूँ कि एक नंबर दो नंबर रिजल्ट ही बताता है और वो 23 तारीख का रिजल्ट 100% गीता जैन के फेवर में होगा। मैम ये जो अभी बाइक रैली निकाली जा रही है, इसके बाद प्रचार जो है समाप्त हो जाएगा, 2 दिन का जो वक्त है वो बाकी रह गया है, आखिरी संदेश मीरा भाईंदर की जनता को क्या देना चाहिए? बस यही कि आप विरोधियों पे ना जाए, वो गलत नरेटिव सेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि जनता अब जान चुकी है कि सही क्या है, गलत क्या है। 2000 करोड़ के काम अगर मीरा भाईंदर में इतने सालों में पहली बार हुए हैं तो उनको दिख रहे हैं मेरे काम और उनको पूरा विश्वास है कि मेरे हाथों में अगर शहर का नेतृत्व वो देते हैं तो वो सेफ हैं, गुंडागर्दी से बचते हैं, अपनी जमीनों को बचाते हैं और किसी भी तरह का दबाव, जैसे भय का वातावरण आज चारों ओर चल पड़ा है, उससे मुक्ति पाते हैं। सुख और चैन चाहिए तो गीता जैन चाहिए। मैम पिछली बार आपका जो मार्जिन था वो 15,000 से भी ऊपर का था, इस बार मार्जिन कितना एक्सपेक्ट है? मैं मेरा रिकॉर्ड जरूर तोड़ूंगी, उस मार्जिन को मैं जरूर और तोड़ के आगे लेके जाऊंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लोगों का उत्साह, लोगों का समर्थन जिस तरह से मिलता है, अब ये मेरे पिछले साल का रिकॉर्ड मैं ही तोड़ूंगी। तो पिछले साल का जो रिकॉर्ड है वो भी टूटेगा, पिछले कार्यकाल का रिकॉर्ड जो है वो भी टूटेगा, ऐसा गीता भरत जैन का कहना है। दोस्तों इस वक्त हम गीता भरत जैन की बाइक रैली, भव्य बाइक रैली में मौजूद हैं। ये रैली आगे बढ़ रही है, अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को नतीजों में क्या तस्वीर निकल कर सामने आती है और उससे भी MB Live आपको अवगत कराता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रथमेश के साथ मैं जयंती झा, MB Live।